नमस्कार, न्यूज 11 भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना प्रियदर्शनी। खबरों का रुख करते हैं। WHO दुनिया को बता रहा है झारखंड मॉडल की सफल कहानी। डेंगू और चिकनगुनिया पर एक महीने में लगा दिया था लगाम। तात्कालीन स्वास्थ्य सचिव निधि खरे की रणनीति से हुआ था कंट्रोल। 2018 में चिकनगुनिया ने और डेंगू ने राजधानी रांची में कहर बरपाया था। WHO ने अपने जनरल में सक्सेस स्टोरी के रूप में प्रकाशित किया था। सरकारी अमला मुस्तैदी से काम करे तो बड़ी से बड़ी बीमारी पर कंट्रोल संभव है। 2018 में बेहतर समन्वय से डेंगू चिकनगुनिया पर हुआ था कंट्रोल। झारखंड मॉडल की सफल कहानी। WHO बता रही है पूरी दुनिया को डेंगू और चिकनगुनिया पर एक महीने में लगा था लगाम। और सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी अंजनी के पास हम चलेंगे। अंजनी, बड़े ही गर्व की बात है, बहुत अच्छी बात है कि WHO ने झारखंड को मॉडल के रूप में पेश किया है। देखिए ज्योत्सना, 2018 का वर्ष था और रांची में ये चिकनगुनिया और डेंगू से हर गली मोहल्ले के लोग परेशान थे और सरकार और जो सरकारी अमला था उनकी परेशानी, उनकी चिंता देखते ही बन रही थी और सभी टीवी चैनल्स हो या अखबारों की ये सुर्खियां बना था कि कैसे चिकनगुनिया डेंगू पांव पसार रहा है और लोगों की परेशानी काफ़ी थी। लेकिन उस समय के जो तत्कालीन जो प्रधान सचिव थे स्वास्थ्य विभाग के निधि खरे, तो उनकी जो सूझबूझ और एक समन्वय के साथ उन्होंने इमीडिएट कार्रवाई जो किया था और एक बड़ा नेटवर्क उन्होंने तैयार किया था पूरे राज्य के हर जिले के उपायुक्तों को, सिविल सर्जन को, तमाम लोगों के साथ एक संपर्क कर इन्होंने इस अभियान का मुहिम छेड़ा था। और जिस तरह से मुहिम चला, उस मुहिम के जो सकारात्मक इम्पैक्ट आए थे वो तमाम लोगों ने देखा था। और ऐसे समय में जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की भी नज़र होती है, क्योंकि चिकनगुनिया और डेंगू से कई राज्य बेहद परेशान होते हैं, हर वर्ष वहाँ कई लोगों की मौत होती है, लेकिन झारखंड में जिस तरह से इस पे काबू पाया गया वो काबिले तारीफ था। और इस काबिले तारीफ में जहाँ सरकारी अमला पूरी तरह से मुस्ताद था, तो रांची के 53 वार्ड के जो वार्ड पार्षद थे वो भी पूरी तरह से मुस्ताद थे। आम लोगों की जो उसमें जन भागीदारी थी वो भी देखते बन रही थी और राज्य के कई विभागों के साथ एक समन्वय बनाना और इसके बाद एक प्रचार प्रसार करना कि कैसे डेंगू और चिकनगुनिया से हम बच सकते हैं, तो ये भी एक बड़ा मुहिम था। और ये मुहिम जब रंग लाया तो ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब तारीफ कर रहा है और ये एक सक्सेस स्टोरी के तौर पे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अपने जनरल में इसे प्रकाशित किया है और झारखंड की काफ़ी तारीफ हो रही है। तो ये हमारे लिए भी गर्व की बात है और झारखंड के लिए गर्व की बात है और झारखंड में जो काम करने वाले जो आला अधिकारी हैं उनके लिए भी एक मिसाल के तौर पे ये तमाम चीज़ें सामने आ रही हैं, ताकि आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई परेशानी हो तो कैसे एक सरकारी अमला पूरी तरह से मुस्ताद होकर इन चीज़ों पे लगाम लगाता है। तो हमें लगता है कि यदि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने झारखंड की तारीफ की है तो हमारा मान सम्मान बढ़ रहा है, राज्य का मान सम्मान बढ़ रहा है। और हमें लगता है कि इसी तरह से काम करने से बड़ी मुश्किल, बड़ी से बड़ी चुनौती पे भी जीत हासिल हो सकती है, बड़ी से बड़ी बीमारी को रोका जा सकता है। जो सा तो ये राज्य के लिए और राज्य के तमाम वैसे विभाग जी बिल्कुल रोल मॉडल के तौर पर WHO ने इसे प्रकाशित किया है। और अगर इसी तरीके से बाकी स्टेट भी अगर काम करे तो चिकनगुनिया और डेंगू की अगर हम बात करें तो उससे निजात पा सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी खबर है। जैसे आपने बताया कि झारखंड के लिए ये बहुत बड़ी बात है, झारखंड
के लिए तो बड़ी बात है ही, लेकिन जिस तरह से रोल मॉडल के तौर पर झारखंड को आज WHO देख रहा है, इसे दूसरे स्टेट भी सबक ले सकते हैं। अंजनी। हाँ हाँ, देखिए जब अच्छी चीजें होती हैं तो सभी की नजरें उस पे होती हैं कि कैसे झारखंड काम किया और झारखंड आखिर चिकनगुनिया और डेंगू से कैसे काबू पाया। तो ये अन्य राज्यों के लिए भी एक मॉडल के तौर पे पेश जरूर हो रहा है, क्योंकि जब जनरल में तमाम चीजें प्रकाशित की गई हैं और WHO का जो जनरल है, तो ये तमाम राज्यों को भी जाता है और विश्व के सभी उन देशों में भी जाता है, क्योंकि चिकनगुनिया और डेंगू कई देशों में भी कहर बरपाता है। तो हमें लगता है कि सिर्फ भारत के राज्यों की नजर अब इस जनरल पे नहीं होगी, ये अब दूसरे देश भी इसको देखेंगे एक मॉडल के तौर पे कि भारत का एक राज्य जो खनिज संपदा से परिपूर्ण है, कम संसाधन में कैसे चिकनगुनिया और डेंगू से काबू पाया। तो ये पूरे विश्व के लिए एक आईना होगा ज्योत्सना कि कैसे काबू पाया जा सकता है। और हमेशा हम लोग देखते हैं कि जिस तरह से दिल्ली में हो, मुंबई में हो, कई राज्यों में हमेशा चिकनगुनिया और डेंगू से लोग परेशान होते हैं, तो ये मॉडल जो है हमें लगता है उनके लिए एक आईना होगा। और हमें लगता है कि दूसरे राज्य जब इसे अडॉप्ट करेंगे तो तमाम चीजों पे लगाम लगेगा और लोगों को डरने की जरूरत नहीं होगी चिकनगुनिया और डेंगू से। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात यही है कि एक बड़ा नेटवर्क बनाकर कैसे काम को अंजाम दिया जाएगा, कैसे सफलता प्राप्त की जाएगी, ये झारखंड से सीखने की बात है। और ये झारखंड में अभी जो तमाम जो आला अधिकारी हैं उन्हें भी इन चीज़ों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि कई तरह की जब चुनौतियां आती हैं तो यही के आला अधिकारी, बड़े अधिकारी तमाम चीज़ों को बेहतर तरीके से प्रेजेंट करते हैं और उस पर काबू पाया जा सकता है, लगाम लगाया जा सकता है। तो झारखंड ने ये मिसाल पेश की है, तो उस समय के झारखंड के तमाम आला अधिकारी बधाई के पात्र हैं। बिल्कुल, हमें लगता है कि बिल्कुल आला अधिकारी भी इसके बधाई के पात्र हैं, जिन्होंने भी समन्वय के साथ काम किया वो काबिले तारीफ हैं, और उनके मेहनत का ये फल है कि आज विश्व के मानस पटल पर झारखंड का नाम स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो झारखंड मॉडल की सफल कहानी, 2018 में बेहतर समन्वय से डेंगू और चिकनगुनिया पर कंट्रोल हुआ था और WHO ने इसे प्रमुखता से झारखंड मॉडल के तौर पर प्रकाशित किया है। डेंगू और चिकनगुनिया पर एक महीने में लगाम लगाया गया था।